कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं और कितने लोग दुखी रहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने दुखी हैं उनसे जाकर कह दे आज वो सुख को देखेंगे आज रात के बाद, आमीन, ब्लेसिंग को देखेंगे आज रात के बाद। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने एक सुख नहीं देखा जब से मेरी शादी हुआ, जब से मेरा घर बसा, जब से मेरे बच्चे हुए, जब से मैंने दुकान खोली, बिजनेस किया, जब से मैं अमेरिका आया, इंग्लैंड आया, कनाडा आया, मैंने एक भी दिन मौके में सुख नहीं देखा। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आप सुख देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। बेकार ये घर कैसा मुझे मिलना था, सुन रहे हैं कि नहीं, ये टूटी सी गाड़ी वाला घर मुझे मिलना था, साइकिल वाले के घर में ब्याह हो गया, और तो तुम्हारी कहानी है ये। आपको कहता है दुखी करके रखा हुआ है आपने अपने दिमाग को, अपने दिमाग के ढक्कन खोलो, परमेश्वर एक भी दिन आपको दुख में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता एक भी रात आपको वो रोते हुए। क्या आप अपने बच्चे को रोते हुए रात को देख सकते हैं? थोड़ी देर में मां लेके खड़ी होती है, ना मेरा उन्नू रोना नहीं, उसको हिलाएगी इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाएगी, रोने नहीं देगी उसको। आपको विश्वास करना है परमेश्वर भी आपको गोद में उठा रखा है। वो आपको दुखी, जब आप दुखी होते हैं वो दुखी होता है, जब आप रोते हैं वो रोता है, जब आप हंसते हैं वो हंसता है। हालेलुया,